वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में हमने जिस उड़ती हुई मछली आई मीन नमूर को देखा, आखिर उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है और इसका डीसी के एक्वामैन से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। बात करें नमूर की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो हर सुपर ह्यूमन की तरह इसके पास भी 5 पावर्स कॉमन है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस। लेकिन जो पावर इसे मार्वल के सारे सुपर हीरो से सबसे अलग बनाती है वो है एक्वेटिक एडेप्टेशन। नमूर एक ह्यूमन अटलांटिक म्यूटेंट है, इस वजह से वो अपने लोगों से अलग है। जहां एक तरफ अटलांटियंस पानी में आराम से सांस ले पाते हैं, पर लैंड सरफेस में सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी ओर नमूर ने अपने आप को दोनों जगह पर सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लिया है। इसी वजह से वो पानी में और लैंड सरफेस दोनों पर सांस ले पाता है। इसी के साथ नमूर उड़ भी सकता है उसके पैरों में लगे इन छोटे छोटे पंखों की मदद से। इसी के साथ नमूर फायर प्रूफ एंड इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ भी, हाइड्रोकाइनेसिस एंड टेलीपैथी कंट्रोल भी जानता है, और इसी के साथ ये लंबे समय तक जीवित भी रह सकता है। लेकिन आखिर इसका क्या कनेक्शन है डीसी के एक्वामैन से? अगर आपको ये लगता है कि मार्वल ने नमूर को डीसी के एक्वामैन से कॉपी किया है, तो मैं आपको बता दूं, नमूर का फर्स्ट कॉमिक बुक अपीयरेंस हुआ था अक्टूबर 1939 में, एक्वामैन का फर्स्ट कॉमिक बुक अपीयरेंस हुआ था उसी के दो साल बाद 1941 में। तो आपसे कोई नमूर को मार्वल का एक्वामैन नहीं कहेगा।